कि राजीव को शांति से भस्म हो। ऐसे शांति से भस्म होने का आनंद महाराज कौन वर्णन कर सकता है। इस आनंद को पाना हो तो एक बार भस्म होकर देखना चाहे। सो झटपट छुट्टी पाने के हेत झटपट जलाए और झटपट जले। हे रम्या के पति भाव राव फुर्ती से जल, जो जलेगा नहीं तो इस अखिल ब्रह्मांड में भ्रमण करके थकते थकाते किसी खोपड़ी पर सवार हो जाएगा। और वो सवार होना ऐसा जैसे सरकारी क्वार्टर में टेनेंट रखना। आप फिर यहां से जाने कैसे सुने कैसे, आप फिर यहां से कहीं लोग आ तो आपको देख कैसी बदबू आ रही है आपके शरीर से भाऊ। बेटा भाऊ, आखिर मैं हूं तो एक मृत शरीर। छोड़ो भाऊ, लाश जो फूकने में जितनी देर करोगे ये देह उतनी ही सड़ती जाएगी। भाऊ छोड़ो, मैं उतार गया हूँ नाना। नहीं भाऊ। नाना हमारी फाइल कहाँ तक पहुंची है? अरे कौन सी फाइल भाऊ? नाना आज दसवां है, पिंडदान का दिन। आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे वो छोड़ो आप पहले। कितनी बार बताया कि आप मर चुके हैं, कहीं चक्कर खा के गिर पड़ेंगे तो फिर से उठाना पड़ जाएगा। मैंने कहा था आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। आपका शरीर कितना बदबू दे रहा है। बेटे मैंने अपने कान के भीतर फिर धोते जन्नत का पाना चूसा है। अरे पानी वाला तो हो गया ऐसी की तैसी में। आओ देखिए पिछली बार आप ऐसे ही चक्कर खा के गिर पड़े थे। वो तो ठीक था कि हम खत्म हो गया था और सकृति ने लाइट ऑफ कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं भाऊ। चलिए इस बार चलिए भाऊ। हाँ क्यों आप यहाँ आए हैं तो क्यों नहीं इसी नए शमशान में जल जाते? मैं आपको अग्नि दिए देता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाए। नए शमशान में, नए शमशान में। अरे वो नया शमशान कोई शमशान है बेटे? असली शमशान तो वो होता है जहां चिता पर लेटते ही दादा परदादाओं की देह की भभूत रमाने का संतोष मिलता है। जहां पलके मीचते ही आंखों पर तरावट हासिल हो जाती है वो कहलाता है असली शमशान। भाऊ भाऊ भाऊ, आपको बीसियों बार बता चुका हूं कि आप मर चुके हैं, क्यों नहीं मानते? क्यों इतनी हाय हाय मचा के रखा है बताइए। देखिए भाऊ तेरे ही के झमेले से फुर्सत पाके ही आपको जला दूंगा बस। आज नकली कबड्डी चैंपियन। क्या बोला? नकली कबड्डी चैंपियन? आओ मैं असली कबड्डी चैंपियन हूँ तो खुद से जला दो चिता पर, जला दो दहेज में पड़े नकली की गंदी पर तोड़ेगी खुद से जला दो। भाऊ भाऊ बरस गया है मेरे हाथ रखो और तन ना खरगोश। अरे देह करने लगी है सर्दी बस खूब लगी बता दो। क्यों याद आ रही है? उसे मिलने का मन कर रहा है नाना। आओ अब आप भूत बंधु से भी चिपटना चाहते हैं?
एक तो वैसे रो रो के उसकी हालत खराब हो रखी है, ऊपर से आप पहुंच जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। भाव, आप मेरी बात मानो, आप मेरे साथ चलो भाव। देखो यहाँ आप किसी ने देखा तो नहीं? देखा तो जरूर होगा, शायद यही सोचा होगा कि उसके जैसा कोई बेचारा आदमी है चला जा रहा है, इसलिए मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं। नाना नाना, सच में तुम्हारी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है। भाव, संकट की बत्तियाँ जैसे इधर हमारे ऊपर ही ढह पड़ती है भाव, कैसी कैसी उलझनों में फंसा हुआ हूँ आपको नहीं पता भाव। नाना, डरने की कोई बात नहीं है, ज्यादा परेशानी होगी मैं किसी और ग्रह में जाके रह लूंगा। नाना, ओहंस ओहंस तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, जब हम पूरे के पूरे मौजूद हैं यहाँ। ढेर जरूर पड़ गई है लेकिन तब तो भूख नहीं लगेगी, आत्मा आत्मा जरूर बाकी है लेकिन वो तो है ही अमर, वो तो है ही अमर, वो तो है ही अमर, वो तो है ही अमर। मुद्दा पूता के नहीं, तुम उसके मुद्दा लेके आए क्या संजोग है? कैसे मुर्दा, मुर्दा कहता है कि नहीं शमशान में नहीं जलूंगा, जलूंगा तो पुरानी